नवाबाद थाने की पुलिस और स्वाट प्रभारी टीम ने अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें दो वाहन चोरों से आधा दर्जन लग्जरी कार बरामद की गई। बदमाशों के कब्जे से लॉक काटने वाली मशीन, लॉक कोडिंग मशीन और कई चाबियां भी बरामद की गई। एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने पत्रकारों को बताया कि आरोपी ग्वालियर, आगरा, झांसी, भोपाल, राजस्थान जैसे कई शहरों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इसमें ज्यादातर मामले चार पहिया वाहन चोरी में शामिल हैं। एसएसपी ने बताया कि नवाबाद पुलिस बदमाशों की तलाश में थी, तभी गुरुवार की सुबह उन्हें जानकारी मिली कि मेडिकल बाईपास के पास मुरैना निवासी मुकेश जाटव और रंजीत सिंह चौहान वाहनों की खरीद फरोख्त का प्रयास कर रही हैं। पुलिस ने मुकेश जाटव और रंजीत को पकड़ लिया, जिसकी निशानदेही पर महिंद्रा स्कॉर्पियो, मारुति स्विफ्ट डिजायर, मारुति डिजायर स्विफ्ट समेत सात वाहन पकड़े गए। इनमें से एक वाहन वह भी है जिसमें वाहन चोरी करने के लिए ट्रैवल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बदमाश पहले ड्रिल मशीन से लॉक काटते थे और मशीन का उपयोग कर लॉक डिकोड करते थे और बाद में गाड़ियों की अन्य प्रदेशों में बिक्री की जाती थी। और नवाबाद टीम ने मिलकर के दो अंतरराज्यीय फोर व्हीलर के चोरों को अरेस्ट किया है। इनके पास से सात गाड़ियां बरामद हुई हैं, जो छह मुकदमों से कनेक्ट की जा चुकी हैं। जो चोरी की गाड़ियां हैं, स्कॉर्पियो, स्विफ्ट डिजायर और अन्य गाड़ियां हैं, ये बरामद हुई हैं। ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो उत्तर प्रदेश के झांसी, मध्य प्रदेश के निवाड़ी, भोपाल, राजस्थान के धौलपुर और उत्तर प्रदेश के आगरा और मध्य प्रदेश के ग्वालियर आदि जिलों में सक्रिय था। ये फोर व्हीलर वाहनों की चोरी करते थे। इनके पास से ड्रिलिंग मशीन और डिकोडर बरामद हुआ है। ड्रिलिंग मशीन से ये गाड़ी का लॉक तोड़ने का कार्य करते थे। पहले चाबी से ये गाड़ियों के शीशे तोड़ करके गाड़ी के अंदर बैठ करके डिकोडर लगा करके गाड़ी की कोड को डिकोड करते थे और ड्रिलिंग मशीन से उसके लॉक को तोड़ करके गाड़ियों को चोरी करते थे। ये कार्य बहुत अच्छा मेहनत से स्वाट टीम ने और नवाबाद की टीम ने किया है। इसको मेरी तरफ से 10,000 रुपए कैश अवार्ड दिए गए हैं। इनमें से एक अभियुक्त 25,000 का इनामिया भी था, जो काफी दिनों से जनपद झांसी से वांटेड था और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। उसी की गिरफ्तारी में ये टीम लगी हुई थी, जिससे इतना बड़ा खुलासा और इतनी बड़ी बरामदगी हुई। इसमें इनके गैंग के तीन लोग ऑलरेडी पकड़े जा चुके हैं, दो ये हैं, इनसे और इनकी छानबीन इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसमें जो लोग संलिप्त होंगे, चाहे वो खरीदार हों, चाहे वो इनके गैंग में शामिल होकर के चोरी में सहायता करते हों, उनकी नाम उजागर करके इसको कार्रवाई की जाएगी।